हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज का नया वीडियो है हमारा BYG01। जितने स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया उनके लिए नया वीडियो है, जिसमें इजीली मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको असाइनमेंट रेडी करना है। बेसिकली क्या होता है, जब हम असाइनमेंट्स की बात आती है तो हमें हमारे मन में कई ना कई क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे बनाना है, कौन से शीट में बनाना है, कौन से पेन का यूज़ करना है, कौन से का नहीं। तो ऐसे में आज मैं मुस्कान आज आपको पूरी गाइडलाइंस बताने वाली हूँ, तो इस गाइडलाइंस को समझ कर ईजिली आप अपने खुद के असाइनमेंट बना सकते हैं। तो असाइनमेंट बनाने के लिए कैसे क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी दी गई वीडियो को अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसे में अगर मैंने आपका ज़्यादा टाइम लिया तो आप खुद को आप समझ नहीं पाओगे, मतलब समझ नहीं पाओगे कैसे आपका असाइनमेंट बनाना है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब बिना बातें करें, बिना देरी करें, आज का वीडियो है शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे आपको असाइनमेंट रेडी करना है। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने PDF पर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है BYG01 सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा। ये 23-24 के सेशन का है, जो अभी हाल ही में असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, जो इस सेशन में इस सेशन के असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं। अब आ चुका है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन पेपर। अब आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर को मैच कीजिए। अगर आपका सेम क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को लिख कर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ आपको नीचे हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 1 का, आंसर भी आपको अच्छे से डिफाइन करके दिया है, जितने वर्ड्स में बोला गया है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिए हैं। तो यहाँ जितने भी इस असाइनमेंट में क्वेश्चंस है 19-20, वो सभी के आपको आंसर बहुत इजी दिए हैं। इस आंसर को आप अपने असाइनमेंट में लिखे अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब असाइनमेंट लिखने से पहले कुछ चीज़ें बेसिकली जान लेते हैं। अब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो असाइनमेंट बनाने के लिए आपको A4 साइज शीट का यूज़ करना है, और साथ ही आपको ओनली ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई अदर पेन का यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप लोग ये गलती ना करना, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कर ली तो ऐसे में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि आप कम से कम यही चीज़ करें कि आपको सिर्फ ब्लैक ही पेन का यूज़ करना है और ब्लू पेन का, अदर पेन का यूज़ नहीं करना। जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट रेडी करें। थर्ड है जो हमारा पॉइंट, वो है आंसर लिखने का पैटर्न। हमेशा आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें। यहाँ भी आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया गया है, ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी गाइडलाइंस। और रही बात असाइनमेंट की, तो यहाँ आपको असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ से देखिए करो। हाँ करो, धीरे धीरे। शाम से उठी है, अजीत कर दोगे आई मैं। हेलो मैम,
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये वीडियो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो यहाँ आपको इजीली आपको सब कुछ समझा दिया गया है। तो इसी पैटर्न का यूज़ करके जितने भी आपके असाइनमेंट में कोड है उसी के आपने असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है। और अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सी असाइनमेंट कौन सी सब्जेक्ट कोड पर। और आप लोग मुझे अब बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कोर्स से कोर्स पे चाहिए यानी कौन से कोड पे चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो को बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ जिससे आप तक इजीली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं मुस्कान आपसे ऐसे ही और वीडियोज़ में मिलती रहूँगी, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।